नमस्कार, आप सुन रहे हैं जिंदगी लाइव। मैं हूं सुधीर मिश्रा। वक्त हमारी स्मृतियों का बुझा हुआ सूरज है और धरती निराशा की गहन चादर। जिंदगी अधखुली नींद का सपना होती है, पलक झपकते ही सपना टूट जाया करती है और रह जाती है कोलतार की तरह पिघलती यादें। वो कहते हैं अपने भीतर चहलकदमी करना ब्रह्मांड को देखना है। अतीत समंदर की तरह होती है, जिसके किनारे बैठकर आती जाती लहरों को निहारना अच्छा लगता है। तुम्हारा होना एक फूल का खिलना है, तुम्हारा होना एक फूल का खिलना है, हवा का आती जाती देह के अंदर एक एहसास दे जाना है। तुम्हारा होना पंखुड़ियों का बिखर जाना है, तुम्हारा होना जिंदगी को जान लेना है, समझ लेना है, पहचान लेना है। तुम्हारा होना पल भर के लिए ही सही, जिंदगी को मुस्कुरा देना है। डायरी के पन्ने अक्सर माजी पर किसी शाख पर फरफराते पत्तों की तरह आवाज देते रहते हैं। जिंदगी के पते पर अक्सर नक्शे गुम हो जाया करते हैं। आप यायावर की तरह ताउम्र किसी को ढूंढते रहते हैं और यह अंतहीन तलाश जारी रहती है। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इसको काम समझते थे और काम से आसकी करते थे। हम जीते जी मशरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आरे आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। फिर आखिर में तंग आकर मैंने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। दूर तक जाके आंखें लौट आई है खाली, है जहां दूसरा जिसमें। आप सुन रहे थे जिंदगी लाइव सुधीर मिश्रा के साथ। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद। दूर तक जाके आंखें लौट आई है खाली, है जहां दूसरा जिसमें।